बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले छोटे मियां, 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 छोटे मियां। बहुत अच्छा लगा तुमने कहा, आपकी नौरैन। खैर क्या कह रहे थे तुम? नहीं वो आपकी नौरैन से मतलब आपकी कजन, आपकी कजन भी तो है ना वो, यही कह रहा था कि बस। क्या मतलब? खैर छोड़े, हस्बैंड एंड वाइफ का पर्सनल मैटर है, आप छोड़े बस। अच्छा मुझे एक बात बताए कि करियर जरूरी है या रिलेशन? करियर। अच्छा मतलब रिलेशन कुछ नहीं है भाई? अगर करियर होगा तो रिलेशनशिप भी होगा, और अगर करियर ना होगा तो रिलेशनशिप भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं छोटे मियां? छोटे मियां, छोटे मियां, छोटे मियां, छोटे मियां। यहाँ सब है, इंशा जी है, सूरत है, छोटे मियां है, लेकिन तुम्हारी कमी तो रहेगी ना। अच्छा एक सेकेंड, ये देखो अब तो वीडियो कॉल का ऑप्शन भी आ गया। देखना या बात करना जरूरी नहीं होता, बीवी को अपने शौहर को महसूस करना होता है, एक रिलेशन होता है, वो तो नहीं हो सकता ना। तुम्हें पता है ट्रांस क्या होता है? जब आपसे कोई बहुत ज्यादा दूर हो ना, उसको आंखें बंद करके महसूस कर, और जब तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी ट्रांस पे चली जाना और मुझे आंखें बंद करके महसूस करना, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि कोई मुझे बहुत दूर से बहुत प्यार से याद कर रहा है। और जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ वो तुम समझ नहीं पा रहे। चलो ठीक है, तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम वहां जाके डेली मुझे कॉल्स करोगे ना? हाँ हाँ बाबा जरूर करूंगा कॉल्स। और हाँ वहां जाके किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ जाना। ओहो मैडम इनसिक्योरिटी जैसे हो रही हैं आप मेरे लिए। यार ये मुझे अगर पहले पता होता तो मैं पहले ही चला जाता, और वैसे भी तुम्हारे अलावा कहीं और ध्यान ही नहीं जाएगा मेरा, सो तुम्हें कंप्लेन का मौका नहीं दूंगा। वैसे आप इधर ही खड़ी रहेंगी या नीचे चल के मेरी पैकिंग भी करवा देंगी? चलें? तुझे अंदाजा भी है कि मुझ पर क्या बीती हो जब मुझे पता चला कि मेरा ही दोस्त नौकरी के लिए भीख मांग रहा है। 150,000 की नौकरी आज भी तेरा वेट कर रही है। मेरे दरवाजे तो हमेशा तेरे लिए खुले। मोहसिन भी चला गया, जॉब भी नहीं है, सलमान की ऑफर अवेल कर लेनी चाहिए मुझे। तो ये भी नहीं पता कि सलमान की ऑफर अभी तक है भी या नहीं। दोस्ती नहीं रखनी नारक, लेकिन माफ तो कर देना यार। शायद सलमान को रिलायंस हो गया कि वो मेरा बचपन का दोस्त है। मुझे तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी लगती है। उसकी तबीयत में तो है ही और तुम्हें उठना बैठना। मैंने तो फ्लो में ही बोल दिया कि मुझे तेरी बीवी अच्छी लगती है। मुझे उससे दोबारा जाने में 2-3 साल ही हुए, इससे पहले 10-12 साल वो कहां रहा, किस गैदरिंग में बैठा मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि ऐसा ही है जैसे मैंने तुझे बताया कि मुझे जैस्मिन अच्छी लगती है, और तूने उससे मेरी शादी भी करवा दी थी।
वाकई इसे बचपन से जानता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड्स का भी पता था मुझे और जैस्मिन से शादी भी उसकी मैंने कराई क्योंकि हालात ऐसे हो गए। अब इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे सलमान की जॉब की ऑफर कर लेनी चाहिए। अगर सलमान बुरा होता तो पहले से होता ना, बचपन से जानता हूं उसे। आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी? कुछ पूछ रही हूँ आपसे सीरत। सूरत बस छोड़ दी यार। लेकिन अगर मैं दोबारा गया जॉब के लिए तो सूरत को क्या जवाब दूंगा? वो तो बार बार पूछ रही है रिजाइन क्यों दिया, रिजाइन क्यों दिया, रिजाइन क्यों दिया। अच्छा रिजाइन इतनी बड़ी वजह था तो क्यों दिया रिजाइन मैंने? नहीं, मुझे सलमान के पास जॉब नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या करूंगा, कोई हाल ही समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह मदद कर दे मेरी, या अल्लाह। भाभी फोन तो उठाए। Who is this? हमारा नंबर ही डिलीट कर दिया भाभी। सलमान अहमद। भाभी कुछ तो बताएं। It's urgent. अर्जेंट का भी रिप्लाई नहीं किया। व्हाट्सएप वॉइस नोट। भाभी काइंडली फोन तो उठाएं,
मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। भाभी काइंडली फोन तो उठाएं, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। सुन के भी जवाब नहीं दिया। भाभी मुझे सीरत की जॉब के सिलसिले में बात करनी है आपसे। प्लीज फोन उठा लीजिए। भाभी मुझे सीरत की जॉब के सिलसिले में बात करनी है आपसे। प्लीज फोन उठा लीजिए। जी बोले। भाभी प्लीज सीरत को कहें कि जॉब पर वापस आ जाए, 1,50,000 की जॉब उसका वेट कर रही है। भाभी प्लीज सीरत को कहें कि जॉब पर वापस आ जाए, 1,50,000 की जॉब उसका वेट कर रही है। और भाभी प्लीज उसे समझाइएगा कि जो भी हमारे दरमियान हुआ है उसे भूल जाए। अब तो मैं उससे माफी भी मांग चुका हूं। प्लीज। और भाभी प्लीज उसे समझाइएगा कि जो भी हमारे दरमियान हुआ है उसे भूल जाए। अब तो मैं उससे माफी भी मांग चुका हूं। प्लीज। भाभी आपने मेरे मैसेजेस सुन लिए हैं, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज मेरा पैगाम छोटे मियां तक पहुंचा दीजिएगा। भाभी आपने मेरे मैसेजेस सुन लिए हैं, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज मेरा पैगाम छोटे मियां तक पहुंचा दीजिएगा। सीरत को मैं तो नहीं समझा सका, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप उसे समझाएं। थैंक यू भाभी। सीरत को मैं तो नहीं समझा सका, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप उसे समझाएं। थैंक यू भाभी। और कितना तड़पाएंगी भाभी। क्या बताऊं आपको मैं, क्या बताऊं कि वजह आपका कद है, क्या बताऊं कि वजह आपकी खूबसूरती है, क्या बताऊं कि वजह ये मिसमैच रिलेशन है। छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां। सीरत ना आप वजह बता रहे हैं कि आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी, ना आप ऑफर कबूल कर रहे हैं, बातें होना शुरू हो गई हैं जो हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। और इन्हीं वजहों की वजह से आप भी चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। बीनिश तक ने नोट किया है, नुरैन अलग नोट कर रही है, मैं अलग नोट कर रही हूँ। और पर्सनली कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार एक ही सवाल करना। क्या बताऊं, मैं तो खुद कंफ्यूज हूं, सलमान के बारे में क्या बोलूं, ये बताऊं कि वो ऐसी नजर रखता है या ये बताऊं कि उसने माफी मांग ली। बताएं ना, वो क्या वजह है जो आपकी जात से जुड़ी है, ऐसी क्या बात है जो आप अपनी बीवी से भी शेयर नहीं कर सकते। वक्त आने पे बता दूंगा। नहीं अब जरूर मत बताइएगा, आज से आप अपनी सारी बातें अपने पास रखेंगे और मैं अपनी बातें अपने पास रखूंगी। सही कहते हैं लोग, मर्द का पर्सनल पर्सनल होता है। स्टॉप इट यार,
क्या बताऊं आपको मैं? क्या बताऊं कि वजह आपका कद है? क्या बताऊं कि वजह आपकी खूबसूरती है? क्या बताऊं कि वजह ये मिसमैच रिलेशन है? क्या सुनना चाहती हैं आप? क्या बताऊं आपको मैं? ये ले, चाय पिए आप। क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं, कुछ सोच रही थी। तुम बताओ। मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरी खुशी के लिए अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दी है। अलिश्पा, जिससे तुम प्यार करती हो वो शादीशुदा है? बेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मामू, आपने जिससे शादी की है वो भी तो आपसे कद में छोटे, उम्र में बड़े, तो आपने भी तो फैसला किया है ना। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे भी मेरा फैसला करने दें प्लीज ना। बताए ना, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा मेरी हेल्प? वो तो मैं करूंगी, लेकिन शादीशुदा प्लीज ना। भाई देखिए, उन्होंने अगर डाइवोर्स दी है तो वो मेरी खुशी के लिए दी है ना, अब उसके साथ खुश भी नहीं थे। ये तुम कैसे कह सकती हो? आज तुम्हारी खुशी के लिए किसी को डिवोर्स दे दी, कल को किसी और के लिए तुम्हें डिवोर्स दे दे फिर? नहीं, वो खुश नहीं थे उसके साथ इसलिए। ये क्या बचपना है, ऐसा कैसे हो सकता है? मामू प्लीज ना, अब तो शादी भी अटक गई है। उनके पता है प्लस पॉइंट भी बहुत है। क्या प्लस पॉइंट है उनके? उनके प्लस पॉइंट है कि he is so loving, he is so caring, and he is so handsome, and yes, he is so tall. और उनकी personality, अरे अलिश्पा, शादी के बाद सारे प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हो जाते हैं, और ये लविंग, केयरिंग, पर्सनैलिटी, हैंडसम, ये सब मैटर नहीं करता। रिलेशनशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट मैटर करता है। और ये क्या, मुझे ये बहुत मानता कि मैं टॉल हूँ, एजुकेटेड हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन ये भी कभी कभी जॉब छोड़ने का रीजन बन जाता। जॉब? क्या मतलब? कुछ नहीं, बहुत सारे प्लस माइनस बन जाते बेटा। मामू पता है प्रॉब्लम क्या है? आप अभी तक उनसे मिली नहीं है। जब आप मिल लेंगे ना, और भी उनके फैन हो जाएंगे मेरी तरह। सच्ची देखिएगा, यू विल सी। अब जब मिलेंगी ना, फैन हो जाएंगी उनकी, गारंटी है। उठे उठे, क्या हुआ? मुझे ऐसे नहीं सोना। सीरत, हमारा रिश्ता बहुत हसीन है, बहुत हसीन।
और मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई दरार आए। मैंने बहुत सोचा कि मुझे नहीं समझ आया कैसे मेरा कद, मैं, मेरी खूबसूरती आपके लिए मुश्किलात बन गया। ये सब तो आपका मान था ना? नहीं, मैं बस ऐसे ही। झूठ बोल रहे हैं आप। और अगर ऐसी बात है तो नजरें झुका के नहीं, मुझसे नजरें मिला के कहें कि कोई बात नहीं। सीरत, इंशा जी कहते हैं चीजों का ला इल्म होना राहत देता है, लेकिन अगर एक पार्टनर राहत में हो और दूसरा करवट बदल रहा हो तो इससे बेहतर नहीं है कि आप शेयर कर लें? इससे आपकी 50% तकलीफ कम हो जाएगी। और अगर मैं आपकी प्रॉब्लम का हल ना भी निकाल सकी तो कम से कम आपको हौसला तो दे दूंगी। आप मेरे रिजाइन की वजह जानना चाहती है ना, तो आए। ये देखिए, ये जो बेजोड़ रिश्ता है ना, ये रिश्ता मेरे रिजाइन की वजह बना। ना ये रिश्ता होता ना मुझे शक होता, ना मैं इनसिक्योर होता, ना मैं रिजाइन। क्या हुआ है सीरत, मुझे सही से तो बताएं, मुझे कुछ हो रहा है, क्या हुआ है? सूरत, आपकी खूबसूरती ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। आपकी खूबसूरती ने मुझसे मेरा वकार छीन लिया, मुझसे मेरा मेरा बचपन का दोस्त छीन लिया, और मुझे रिजाइन देना पड़ा। सलमान, सलमान की नजर, सलमान। क्या हुआ सलमान, उसकी नजर क्या कह रहे हैं आप? क्या क्या सलमान ने, क्या उसकी नजर, मुझे नहीं समझ आ रहा। सलमान, सलमान कहता कि मुझसे नहीं बोला जा रहा, मुझे मैं लिख के दे दूं, पेन पेन। हाँ, तुम छोटे कद के हो, तुम्हारी बीवी लंबी है, मुझे तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी लगती है। मेरे सामने आंखों में आंखें डाल के कहता कि मेरा बचपन का इतना सता है, तब से हम साथ हैं। मुझे कहते हैं कि मेरी बीवी से अच्छी लगती है, ऐसे थोड़ी करते ना कोई। सीरत, सीरत बस, सीरत मत रोइए। सीरत इस तरह हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। मैं इतना छोटा तो नहीं हूँ, मैं इतना बदसूरत तो नहीं हूँ। नहीं सीरत, तेरे सामने कैसे तेरी बीवी को कैसे अच्छी लग सकती है? सीरत बस, सीरत छोटा, इतना छोटा तो नहीं हूँ मैं।
सीरत को। अच्छा चुप चुप, हम बाद में बात कर लेंगे, चुप। बचपन का दोस्त है। मुझे पता है सीरत, चुप हो जाए। तुम्हें लोगों को क्यों नहीं दिखता, मेरे जज्बात क्यों नहीं दिखते लोगों को? वो गलती करता था ना, उसके अब्बा मुझे मारते थे, मैं कहता था कि मैंने किया है, मुझे कहते मेरी बीवी इसको अच्छी लगती है। कैसे मुझे कहते हैं, छेड़ते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। क्या आपका दोस्त ठीक है ना? इतना गलत करे सूरत, जाने दे। मुझे नहीं पता था मैं आपको इतनी तकलीफ पहुंचा रही हूँ, मुझे नहीं पता था। कोई तकलीफ? छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे प्रपोज करके से शादी करके मैंने उसे कितने कितने गम दी, उसकी जिंदगी आजाद कर दी। कुछ हासिल ना हुआ सीरत को मुझसे शादी करके, कुछ हासिल ना। बात बात पर लोगों ने उसे तंग किया, उसे टीज किया, उसका दुख बढ़ाया, उसका गम बढ़ाया, सिर्फ मेरी वजह से। तो लगता था मेरे साथ खुश है, खुश नहीं है मेरे साथ। तुम अपनी बात पहले क्यों नहीं? आपको पता है इसको इस फील्ड में जितना अरसा हो गया है, इसे अभी तक बहुत आगे चले जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक इशू है, हाइट। मैंने रिएक्ट क्यों नहीं किया था? मुझे माफ कर दे सीरत, प्लीज मुझे माफ कर दे। एक्चुअली आपकी जीएम मिल गए थे, वो मुझे जबरदस्ती अंदर ले गए थे, बल्कि उन्होंने तो हमारी सीट भी अपने साथ करवाई। चले चले मूवी स्टार्ट होने वाली। नहीं, मुझे नहीं देखनी कोई मूवी। क्या गुजरी होगी उस वक्त सीरत पर? मैं दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती फिर से कम इतनी तकलीफ तो नहीं होती। सीरत मुझे सरासा भी आइडिया होता किन किन बेवकूफियों से आपको तकलीफ दे रही,
आप एक काम करें, अपने फोन में मेरा नंबर डायल करें और मुझे मिस कॉल कर दें ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूं। फिर ऐसा कोई प्लान बनेगा तो आई लेट यू नो। सलमान को नंबर देने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए। सोच मुझे कि मैं आपके साथ खड़ी नहीं रही। खड़ा रहना तो दूर की बात, मैं तो लड़ती रही आपसे। आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी? कुछ पूछ रही हूँ आपसे सीरत। सूरत बस छोड़ दी यार। सूरत क्या हुआ आपको? सीरत मुझे प्लीज एक बार माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे सुकून मिलेगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। क्या कर रही हैं आप इधर है क्यों रही हैं? मैं हमेशा अच्छा सूरत चुप मैं सुनूंगा ना, पहले चुप ये ले चुप हो जाए फिर बताए। सूरत मुझे नहीं पता कि आपका दोस्त ठीक है ना इतना गलत करेगा। सूरत जाने दे,
मुझे नहीं पता था मैं आपको इतनी तकलीफ पहुंचा रही हूँ, मुझे नहीं पता कितनी तकलीफ। दावत में आपने जाने से मना किया था मेरे जिद की। अच्छा ठीक, मुझे नहीं जाना चाहिए। सूरज ठीक है, मूवी में वो मिला, मुझे उसके साथ अंदर नहीं जाना चाहिए। मुझे आपसे पूछे बगैर मैंने उससे अपना नंबर दे दिया। अच्छा मुझे नहीं पता था वो ये सब कुछ सोच रहा है। जॉब जॉब के लिए भी उसने मुझसे इस तरह से किया। प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। मैंने माफ किया ना, मैं कर रहा हूँ माफ। मुझे नहीं पता था वो ये सब कुछ करेगा। जॉब पे भी मैं बाहरे बाहरे से मैं उतरी थी ना, मैं सैंपल देखने गई। हाँ बताया था ना, अब प्लीज जाने देना, सब कुछ जाने दे। अच्छा 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 एक सेकंड चुप 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 चुप, प्लीज प्लीज प्लीज, बस 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 आंसू पहुंचो। और मुझे मेरी वाली सूरत चाहिए, हंसती हुई। प्लीज सॉरी, ठीक है ना। मैं समझती थी वो आपको अपना दोस्त समझता है, वो आपको प्यार से छोटे भैया कहता है, लेकिन वो आपका मजाक उड़ाता था। नहीं आप नहीं है छोटे, आप छोटे नहीं है, मैं बता रही हूँ आप छोटे नहीं है। वो मिलन कहता आप छोटे नहीं है। ठीक है बस प्लीज 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 प्लीज, बस बस बस, शाबाश, चुप चुप, शाबाश चुप। अब मेरी वाली सूरत की स्माइल थोड़ी सी सूरत प्लीज। हाँ ये चुप, हंसो थोड़ा सा। चल हम सब कुछ भूल जाते हैं, जो हुआ ना अब नहीं होगा, और बस भूल करते हैं अपने इस रिलेशन को, है ना। करेंगे ना, साथ देंगी ना मेरा, है ना, रोए बगैर हंसते हुए, शाबाश मेरी वाली सूरत। हाँ हंसो। या कमीना बेगैरत इंसान है ये। मामू क्या हो गया आपको, तुम्हें नहीं पता कभी अपनी बहन को भी हया की नजर से देखा है इसने? वो जो जॉब तुमने मुझे ऑफर की है वो किसी प्रोफेशनल को की है या दोस्त को? बहुत घटिया लोग देखे मैंने दुनिया में, लेकिन आप जैसा घटिया शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, सादे हैं, रूखी रूखी बातें हैं।